हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मंगलवार है, मंगलवार का मैं दिखा रही हूँ। मैंने सोमवार को कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे साथ वही प्रॉब्लम होती है, अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं तारबूज काट रही हूँ और केला अभी मैंने आधा दर्जन ही मंगाया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो केला गर्मी में बहुत जल्दी पक के सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अभी नहाया नहीं है, लस्सी वगैरह पीकर बस ये तारबूज काट कर इनको दे दूंगी काला नमक डाल के, क्योंकि मैं बिना नहाए नमक नहीं खाती हूँ। और एक साथ हम लोगों को अभी पूजा भी नहीं करना है फिर भी। तो यहाँ पर अब आपको मैं दिखा रही हूँ, वो खाना पीना खाकर ऑफिस चले गए, वो सब मैंने सूट नहीं किया। मैंने बनाया था अरहर का दाल, चावल और परोल हम लोग कहते हैं, नेनुआ भी कहते हैं, नेनुआ की सब्ज़ी, पापड़ और आम पुदीना की चटनी, तो वो खाकर चले गए। और इधर ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा दाल चावल सब्जी है, लेकिन आज वो ऑफिस नहीं गए हैं, दूसरे काम से गए हैं, आज उनका ऑफ है। वो घर जाने वाले थे, मेरे ससुर वहाँ आए हुए हैं और 22 अप्रैल को मेरे चचेरे देवर की शादी है, उसमें हमको जाना था, लेकिन मेरी सिचुएशन जाने लायक नहीं है। तो उन लोगों का जहाँ मेरा ससुराल पड़ता है वहाँ उन लोगों का घर अपना बनाया नहीं है, तो मेरे ही घर में रुक के वो लोग सारा शॉपिंग वगैरह करेंगे और फिर 20 तारीख से वो धर्मशाला बुक कर लेंगे। तो अभी मेरे ही घर में वो लोग रह रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगा चलो तब तक 10 दिन पप्पा जी को मन लगेगा इस बहाने। तो यहाँ पर ये सब मैं क्यों साफ कर रही हूँ, तो ये शाम तो नहीं है, खाना पीना खाया, मुझे नींद नहीं आई, तो लगभग एक या 1:30 बज रहा होगा, तो मैं काम में लग गई। एक दो बर्तन बचा था इसको भी मैंने धो लिया क्योंकि आज खाना बनाते बनाते ही वो आ गई थी। और जिस दिन ऑफिस नहीं होता है तो होता है थोड़ा लेट से ही खाना बनेगा, कोई बात नहीं, तो वो खाना बनाते बनाते ही आ गई थी, कुछ बर्तन रह गया था। मैं बिल्कुल डर डर के रहती हूँ कि किसी दिन अचानक से काम ना छोड़ दे, ये सब मैं खुद उससे ही करवाती, पहले जो आती थी वो कर देती थी, लेकिन ये तुरंत बोलने लगती है इसका अलग से पैसा लगेगा, इतना नहीं करूँगी, मुझे डर लगता है कहीं छोड़ ना दे बीच में काम करना, इसीलिए ये सब मैं खुद से करती हूँ। जहाँ तक मुझे संभव होता है मैं बिल्कुल किचन हल्का करके रखती हूँ, लेकिन वही है ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ। लेकिन नेहा ने मुझे बताया था कि गर्म पानी में नमक डाल के आप पैर रखिए, तो मैंने वो भी किया था और ठंडे पानी में भी रखा था, दोनों से मुझे आराम मिला है, तो आज मैं इतना काम कर पा रही हूँ। फिर भी ये 1 घंटे का मुश्किल से काम, अगर मैं नॉर्मल रहती तो ये काम 1 घंटे का था, लेकिन इसमें मुझे 3-4 घंटे का समय लगा। कैसे लगा मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने किचन की खिड़की इसीलिए बंद कर दी कि कैमरे पर पड़ता है तो साफ पिक्चर नहीं आता है। तो पहले मैंने सोचा आज मैं एक धो लूँगी रेक और फिर कल दूसरा धोऊँगी, फिर काम का एक सुर होता है, एक जुनून होता है कि लगे हाथ कर ही लेते हैं। तो जब थोड़ा कर लेती थी फिर बैठ जाती थी। जब ये 1 घंटे में बाहर से आए, ये गए थे अपना कपड़ा ख़रीदने के लिए क्योंकि वही शादी में इनको जाना है, 22 तारीख को शादी है, तो मेरे देवर भी आएंगे 20 तारीख को, वो आएंगे तो यहाँ पटना में यहाँ पर आएंगे, फिर रात में उनकी ट्रेन है। अब ये मुझे नहीं पता दोनों भाई साथ में जाएंगे या अलग अलग जाएंगे, मैं तो संभव ही नहीं है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया गया कि आप आइए, लेकिन सब लोगों को पता है मेरी सिचुएशन, माँ के उसमें मुझे देखा गया है, तो लोग सब समझ रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने एक साइड में इसको रख दिया, एक कॉर्नर में, ऊपर अगर एक दिन छोड़ दूँ तो वो मैसी हो जाता है, नीचे छोड़ दीजिए तो वो हो जाता है। रोज़ मतलब एक चीज़ को आपको करना पड़ता है, जहाँ जो चीज़ छोड़ दीजिएगा वही हो जाएगा। तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा था, खाना पीना बनाने का थोड़ा सा आराम की, जैसे ये निकले बस काम में लग गई। उसके बाद ये आ गए कपड़ा ख़रीद के, तो मैंने काम छोड़ दिया और ये नीचे मैं बाबू का टिफ़िन रख रही हूँ, टिफ़िन इसका कटोरी चम्मच और वाटर बॉटल सब कुछ रख दूँगी। ये 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसको भी डॉक्टर से दिखाया है, दवाई वगैरह चल रहा है। अब तो इस वीक में कई दिन स्कूल बंद ही रहेंगे, तो जब ये आए, जब ये फिर सोने चले गए, फिर मैं काम में लग गई। तो इस तरह कर करके काफ़ी समय मुझे लग गया कि आप ये समझिए कि जो दिन का खाना खाए थे और उसके बाद सब लेटा था और मैं भी थोड़ा देर लेटी, उसके बाद ये बाहर गए और उसके बाद मैं काम में धीरे धीरे लगी। और सोचिए कितना समय हुआ होगा, फिर जो दाल चावल वगैरह बचा था तो उसको फिर से बाबू को भी दिया, इनको भी खाने को दिया, तो सिर्फ ये सब्ज़ी बची हुई है, तो सब्ज़ी को रात के लिए रख दूँगी, रात में कुछ हल्का फुल्का भिंडी का भुंजिया वगैरह बना लूँगी और रोटी बना लूँगी।
कर रही थी, अभी तक मुझे परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं करते करते फिर थोड़ा सा ग्लूकोज पी लेती थी, बैठ जाती थी। क्योंकि साफ़ सुथरा, मुझे आप लोगों ने शुरू से मेरे ब्लॉग को देखा होगा, जो पुराने हैं उन्होंने देखा होगा, मैं इसी सब में समय लगाती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा लाचारी है मेरे साथ, और डरती हूँ कि ज़्यादा अगर बोलूँगी तो बोलेगी ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब नहीं करूँगी। तो जितना मेरे से संभव होता है उतना मैं खुद से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर वो उठ के आयरन कर रहे थे, जिन्होंने कहा उस समय से तुम लगातार कर ही रही हो। मैंने कहा नहीं, लगातार तो नहीं कर रही हूँ, रुक रुक के कर रही हूँ। तो ये जो नैवेद्यम है, ये रामनवमी के दिन ये प्रसाद लाए थे, तो मैंने करीना को भी दिया था जो हाउस हेल्पर हैं, और एक दो बच गया था किचन में ही छूट गया, क्योंकि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है रात में, तो इनको उतना जेंट्स से इतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो इसका जो ढक्कन था हटा हुआ था, तो मुझे लगा कुछ चूहा बिल्ली कुछ किसी ने हटाया होगा। तो नैवेद्यम को मैं एक पॉलिथीन में करके साइड में रख दूँगी, और एक एक करके सारे सामान को समेट के पहले आज तो मैं नीचे पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, सारे बर्तन को लगाऊँगी, क्योंकि बर्तन भी फिर ब्लू वाले टोकरी में रह जाता है और दूसरे दिन भी रह जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन जब वो धोने आती हैं तो उसी पे बर्तन रखती हैं, और फिर बोलती हैं मुझे देखिए मैंने एक टोकरी बर्तन धोया। मतलब हंसी भी आती है, परेशान भी हो जाती हूँ, जबकि ये सब काम मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा झुकना उकना मुश्किल वाली बात हो जाती है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो डियर, आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ के मन को लगाई हूँ। थोड़ा सा मन में डर भी है क्या होने वाला है मेरे साथ, थोड़ा सा है कि माँ नहीं देख पाएंगी जो भी होगा, या नहीं देख पाएँ इस तरह से करके। और शादी विवाह भी लगातार चल रहा है, तो कई लोग मुझे बोल भी रहे थे कि घर में, आपके घर में अभी सुबह का कोई कार्य नहीं होना चाहिए, आप लोग मना करिए, आपके घर में कैसे गीत वगैरह होगा, कैसे ढोलक वगैरह बजेगा, अभी एक डेढ़ महीना ऐसा होने से हुआ है। तो फिर मैं तो घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी अभी गार्जियन जो है मेरे ससुर हैं, तो मैंने कहा कि जब वो गार्जियन हैं उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, और करने वाले को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो रात में उनका फ़ोन भी आया था कि नम्रता तुम नहीं हो, बिल्कुल अजीब लगता है, तुम्हारे ही घर में हम लोग किचन यूज कर रहे हैं, रूम यूज कर रहे हैं, तुम नहीं हो। मैंने कहा मेरे साथ तो यही सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो इस तरह करके। तो आज 12 अप्रैल है और 22 अप्रैल को शादी है, तो वो लोग 10 को एक जनेऊ था उसी में आई थी, तो अब वो लोग मार्केटिंग वगैरह करेंगी। कई लोग कह रहे हैं जब तक चूना नहीं होता आपका घर शुद्ध नहीं होता, तो अब जो कर रहा है वो समझे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मैं तो यहाँ फंसी हूँ, खुद मेरा प्राण संकट में है। अब मम्मी को 24 अप्रैल को मेरे चचेरे भाई का एंगेजमेंट है और जून में शादी होती, मुझे उसके शादी में जाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी चाची लोग नहीं माने, बोली जून में ही शादी करेंगे क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिलेगा। के आर मंगलम एक स्कूल है उसमें वो पढ़ाता है। यहाँ पर मैं वो सब्जी जो बचा था मैंने रख दिया, और जो भी खाना खाने के बाद जो बर्तन था मैंने इकट्ठा किया, और मैं उस बर्तन को भी धो लूँगी ताकि ज़्यादा बर्तन जमा ना हो। मैं खुद चाहती हूँ रात में मेरा किचन साफ हो, तो जिस दिन मैं कर पाती हूँ कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरह से इन लोगों का प्लान था, लेकिन आजकल लड़का वाले के हिसाब से कुछ नहीं होता है, लड़की का ही एग्ज़ाम है जून में, तो जून की शादी टल गई। अब जुलाई में होगी शादी, या फिर नवंबर जाएगा, या फिर फरवरी मार्च जाएगा, तो मैं देखती हूँ जुलाई में मैं जा सकती हूँ या नहीं, या फिर मैं इस शादी में जा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि अपने सिचुएशन के अनुसार लोग और हम लोगों में एक रस्म वही लावा भूंजने का होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो वो मुझे ही करना था, लेकिन अभी तो एक साल में कुछ करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने सासू माँ का सारा चीज़ किया है। तो फिर डियर, बहुत बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से, वो कैसा पल था जब हम लोगों का इस तरह से मतलब गुजरा था कि वो तो चर्चा मतलब करने में भी एक अजीब, कभी कहीं हम लोगों को डर भय नहीं लगा, लेकिन जितना 10 दिन तक जितना भी हमारा गुतिया होता है समाज होता है, 10 दिन तक सुबह शाम उन लोगों को खिलाया गया, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आता था वहाँ पे, कोई भी देखने नहीं आता था कि मेरी ये स्थिति है। रात में मैं अकेले सोती थी, कई दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, दिन में चलती उठती थी, तो इस तरह करके किसी तरह करके पार लग गया। यहाँ आकर मैंने डॉक्टर से दिखाया है, अब डॉक्टर ने 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड बोला है, जिसमें कि आने के तुरंत बाद ही मैंने दिखाया था दूसरे दिन, तो 15 दिन बाद बोला था, जिसमें कि 8 दिन निकल गया है। तो अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या आता है।
इस तरह से मतलब जब मेरी तबीयत ठीक रहती है, आराम मिलता है, तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। कपड़ा भी बहुत सारा है जो कि मैं तो अभी थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है मैं मशीन ऊपर रख लूँ, धीरे धीरे कटिंग करके स्टिचिंग करूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है अभी मैं किस नाप का बनाऊँगी, क्योंकि वो नाप अभी मुझे फिट नहीं होगा पहले वाला। और जो ये बचा हुआ बर्तन था चावल दाल सबका, एक एक करके मैं सारा चीज़ धो लूँगी। और वो एक कढ़ाई जिसमें मैंने पापड़ तला था उसमें तेल था, तो वो गैस पर रखा हुआ है। और अब मुझे लग गई है भूख बहुत तेज़, तो मैंने सोचा अब किचन पूरी तरह से साफ़ हो गया है तो मैं अपने लिए हलवा बना लूँ। हालांकि अभी घी घी वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वज़न तो अभी 70 किलो हो गया है, काफ़ी कम वज़न था, लेकिन अभी तो वज़न इस समय में बढ़ता है, तो थोड़ा सा बस हलवा बना लूँगी, क्योंकि अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं। इतना सा काम तो 1 घंटे का था, लेकिन मुझे करते करते 5 बज गए, लेकिन मैंने कर ही लिया, क्योंकि एकदम बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं एकदम किचन को साफ़ करूं इस तरह से। तो खैर वो नहीं करती, उनका काम है बर्तन धोना इस तरह से, और लगाती भी नहीं है बर्तन, और मजबूरी मेरी मजबूरी को समझ रही है, इसीलिए हर दिन बोलती है आज इतना पैसा बढ़ाइए, आज इतना एक्स्ट्रा दीजिए, तो इस तरह करके। तो डियर, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये तरबूज का भी छिलका मैंने नीचे ही रखा है। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा डियर, बाय बाय डियर, लव यू।